नेता आता है लोग हाँ। सब मऊगाड़ी नेता आता है हाँ। अब वोट लेकर के जाता है तो फिर दिखाई नहीं देता चुट्टा हाँ। हम लोग से खाली वोट ठगता है लोग हाँ। इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। वादा क्या नहीं करता है लोग, रोड बना देंगे, चमका देंगे। वादा तो करता है लोग, आता है नहीं नहीं हाँ। तो ना जब आवे नहीं करेगा, देखबे नहीं करेगा कि हम कितना खतरा हुआ है इसमें हाँ। तो हम लोग क्या करेंगे? अच्छा आपसे वोट मांगने आएगा? बिहार के रहने वाले हैं, टूटा फूटा रोड में रहते हैं हाँ। इस पर कोई ध्यान नहीं देता है लोग, आपसे वोट मांग लोग, सब मऊगाड़ी नेता आता है लोग। तो सीनियर कैसे बनाएंगे आप उन्हें? अरे सीनियर तो हम चाहते हैं कि कोई हमारे इलाका का विधायक हो चाहे मंत्री हो हाँ। तब न हम जानेंगे। अच्छा तो सबको हमारे गांव में मुखिया है हाँ। देखिए आज साल भर से ये पुलवा को चला रहा है रिपेयरिंग करके जी। अच्छा इसको रिपेयरिंग करके अभी भी सुनने में आ रहा है चचरा चरा इस पर लगाएंगे हाँ। ये तो सिर्फ ठीक है चचरा तो लगेगा, लेकिन जब गन्ना उना का ढोना हो अरे तो कैसे ढोया जाएगा? ढोया है जसवंत मुखिया गन्ना ढोया है। जाने दीजिए हाँ। अगर जसवंत मुखिया नहीं रहता हाँ। तो कितना खतरा इस पर हुआ रहता हाँ। ये कोई नहीं बता सकता जी। देखिए अभी अभी खतरा हो रहा है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है नेता लोग। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड साथ पब्लिक न्यूज में हम तस्लीम। इस वक्त में मौजूद हूं बिहार के चंपारण मानाटा ब्लॉक के सुगलाई करताहा पुल के पास से। जैसे कि आप ये पुल देख रहे हैं पूरा तरह से जर्जर हो गया है और इसी पुल के सहारे लोग एक दूसरे जगह जाते हैं, खास तौर पर नकड़िया गांव जो अनुमंडल है मानाटा ब्लॉक, तमाम ब्लॉकों का इसी रूट से होकर जाते हैं। काफी इम्पोर्टेंट रास्ता है लेकिन ये पुल पिछले 4-5 सालों से जर्जर है, नहीं बन पाती है। सबसे बड़ी बात है किसान गन्ना अपना इसी रूट से लेकर जाते हैं लेकिन इस साल कैसे रूट ये किसान लेकर जाएंगे अब देखने वाली बड़ी बात है। पूरा जर्जर हो गया है, सरकार ने एक तरह से, अधिकारियों ने एक तरह से पल्ला झाड़ लिया है कि ये पुल चलने के लायक नहीं है, लेकिन इसी पर मजबूरन यहाँ के लोग चलते हैं। यहाँ पर जो भी एक तरह से रखा जाता है ये काट कर, मतलब कि शीशम का पेड़ वो गिर गया है यहाँ पर, देखिए पूरा गिरता है और बड़ी एक तरह से खतरा होता है लगातार। तो ये सिचुएशन में आपको सीधे पुल के नीचे से दिखा रहा हूँ कि आखिर ये पुल क्यों नहीं बन रहा है, इसके वजह क्या है। भाई बहन आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड साथ में पब्लिक न्यूज में हम तस्लीम। इस वक्त मौजूद हूँ बिहार के चंपारण मानाटा ब्लॉक के सुखलाई पंचायत के सुखलाई गांव के पास का ये पुल है करताहा का, और आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है, क्या बेहाल ही है कि पूरा एक तरह से यहाँ गाँव के लोग किसी तरह से ये गोटा काट कर शीशम का हो या फ्लोर का उससे काम चला रहे हैं और कभी भी बड़ा दुर्घटना हो सकता है। ये देखिए एक तरह से कितना लगातार कोशिश होने के बावजूद भी कोई सरकारी सुध नहीं ले पा रहे हैं, सरकार के अधिकारी या मंत्री या कोई और भी, कहीं ना कहीं इसमें जल्द से जल्द पुल बनना चाहिए ताकि ये जो दुर्घटना जो हो रही है लगातार वो ना हो। और एक तरह से सरकार ने अपना पल्ला झाड़ भी लिया है कि इस पुल को एक तरह से डैमेज दिखाकर, एक तरह से बोर्ड लगाकर उसने पल्ला झाड़ लिया है कि ये पुल चलने लायक नहीं है। तो इसी बीच आप समझ सकते हैं कि एक मोटरसाइकिल को चला लेकर जाना कितना मुश्किल होता है। और ये देखिए पूरा नीचे से भी फाउंडेशन इसका पूरा जर्जर हो गया है, एक तरह से ख़त्म हो गया है। कोई ऑटो वाला भी आता है या ट्रैक्टर वाला भी आता है तो पूरा ट्रैक्टर या वो ऑटो खाली कर ही कोई आगे जाता है तो ही कुछ होता है। देखिए ये किस तरह से हाल बेहाल है, मैं सीधे तस्वीरें इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी आ रहा हूँ, एक सेकेंड ही हुए। ये भी देखिए एक मोटरसाइकिल वाले हैं, इस पर अपने गैस को रखे, थोड़ा हेल्प कर दीजिए इन्हें, गैस रखे हुए हैं और इसको हिला रहे हैं पैदल। आप समझ सकते हैं रोड की खराबी है इसलिए किस तरह से लोग ठेल कर यहाँ पर एक तरह से ठेल कर गैस वालों को हेल्प करके लोग आगे, मतलब कि पुल पार करा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का कोई एक तरह से मतलब कि यहाँ पर हाल कोई जानने वाला नहीं आता है, यहाँ पर आए आप लोग तो देखिए ये है। देखिए किस तरह से कोई आता है तो बहुत ही मुश्किल से एक सामना करना पड़ता है और वो मुश्किल कभी भी खतरा मोड़ ले सकता है। देखिए ये भी है, थोड़ा सा आराम से जाएं और ये भी देखिए कितना खतरनाक है। यहाँ पर दादा लोग से बात करेंगे ओवरऑल। या इधर देखिए नीचे से पूरा इसका भी फाउंडेशन एक तरह से ख़त्म हो गया है। कोई महिला भी एक मोटरसाइकिल पर चढ़ के आती है, ऑटो पर आती, उनको उन्हें उतर कर भी आना पड़ता है। तो देखिए सामने से तो हम बात करते हैं राहगीर से, क्या कहेंगे हाँ। यहाँ पर तो दो आदमी जाना मुश्किल है, एक ही आदमी ही जाना पड़ता हाँ, है। हम एलजेपी से किसान सेल जिला अध्यक्ष रमाकांत आदिवासी बोल रहे हैं जी।
यहाँ स्थानीय विधायक को यह देखना चाहिए जी, यहाँ के एमपी को देखना चाहिए कि यह जर्जर हो चुका है। यहाँ हाँ। के लोगों को हाँ। इस एरिया के, इस विधानसभा के लोगों को, इस संसदीय क्षेत्र के लोगों को हाँ। वोट ही नहीं देना चाहिए, वोट का बहिष्कार करना चाहिए हाँ, हाँ। कि मान लीजिए कि यहाँ अगर हाँ। कोई भी जाति का रहा है, यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं सभी लोग यह कहें कि यह खतरे से बाहर, तो यहाँ हम यही कहेंगे कि स्थानीय विधायक और यहाँ स्थानीय एमपी जो है हाँ। इनको एकदम इस पर ध्यान देना चाहिए, यहाँ के लोगों को वोट का बहिष्कार करना चाहिए, सरकार यानी कि पहल होना चाहिए, एक तरह से पहल होना चाहिए इस पर हाँ। यह जर्जर हो चुका है, यहाँ कभी भी खतरा हो सकता है, कोई भी मर सकता है। इसका जिम्मेवार स्थानीय विधायक होगा, इसका हाँ। जिम्मेवार यहाँ का एमपी होगा, कौन होगा? ये तो सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि इस पर एकदम फोकस होना चाहिए जी जी। और भी देखिए इस गांव के, देखिए एक तरह से मोटरसाइकिल का लाइन लग गया है, और देखिए सामने अगर कोई महिला या कोई बड़े बुजुर्ग हो, मोटरसाइकिल बैठ कर दो आदमी नहीं जा सकता है, तो एक तरह से मुश्किल होता है यहाँ पर। अभी बुजुर्ग हैं दादा, क्या कहेंगे? अभी तो रोज बाजार जाते हैं मथुरा, क्या दिक्कत होता है? नेता आता है लोग हाँ। सब मऊगाड़ी नेता आता है हाँ। अब वोट लेकर के जाता है तो फिर दिखाई नहीं देता है छुट्टा हाँ। हम लोग से खाली वोट ठकता है लोग हाँ, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। वादा क्या नहीं करता है लोग, रोड बना देंगे, चमका देंगे। वादा तो करता है लोग, आता है ही नहीं हाँ। तो बताइए ना, जब आवे नहीं करेगा, देखबे नहीं करेगा कि हम कितना खतरा हुआ है इसमें हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, आपसे वोट मांगने आएगा? बिहार के रहने वाले है, टूटा फूटा रोड में रहते हैं हाँ। इस पर कोई ध्यान नहीं देता है लोग, आपसे वोट मांग गाड़ी नेता आता है लोग। सीनियर कैसे बनाएंगे आप उन्हें? अरे सीनियर तो हम चाहते हैं कि कोई हमारे इलाका का विधायक हो, चाहे मंत्री हो हाँ। तब ना हम जानेंगे। अच्छा, तो सबको हमारे गांव में मुखिया है हाँ। देखिए आज साल भर से ये पुलवा को चला रहा है रिपेयरिंग करके जी। अच्छा, इसको रिपेयरिंग करके अभी भी सुनने में आ रहे चचरा हाँ। इस पर लगाएंगे हाँ। ये तो सिर्फ ठीक है, चचरा तो लगेगा, लेकिन जब गन्ना उना का ढोना हो, अरे कैसे ढोया जाएगा? ढोया है जसवंत मुखिया, गन्ना ढोया जाने दीजिए हाँ। अगर जसवंत मुखिया नहीं रहता हाँ। तो कितना खतरा इस पर हुआ रहता हाँ। ये कोई नहीं बता सकता जी। देखिए अभी खतरा हो रहा, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है नेता लोग। ओके, चलिए और भी देखिए, चला जाता है, किसान भी लोग हैं, आप लोग खेती करके आ रहे हैं उधर से ना हाँ। अगर पुल तो खराब है, कहीं ना कहीं बनना चाहिए, तभी इस बार से उस बार खेती करने जाएंगे हाँ, तब क्या है ना, बनना चाहिए बनना चाहिए। देखिए महिला वो जा रही हैं सामने से, उनको कितना दिक्कत हो रहा है, अगर पुल अच्छा होता तो दिक्कत नहीं होता है, तो मैं सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और भी लोग बोलना चाहेंगे, देखिए आप लोग इस गांव से, पास से गांव से हैं, क्या कहेंगे? ये समस्या तो बहुत विकराल रूप ले रहा है, क्या इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी विधायक है इस गांव, मतलब क्षेत्र का, इस पुल का विकास करे और क्या बोलता है कि लोगों को देखभाल करे, लोग कितना कष्ट से आ रहे हैं जा रहे हैं, सबको डेट मानते हैं, उनको कुछ हो गया बाई चांस अंदर चले गए, इससे पहले ट्रैक्टर भी मतलब डाउन चला गया था, नीचे चला गया था। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी मतलब प्रत्याशी है, इस पुल को रिपेयर कराए और इस पर सख्त से करवाए। अब तो एक तरह से रिपेयर से भी काम थोड़ा चलता है, लेकिन अब गन्ना का जो होता है लदा बहुत होता है हाँ। एक तरह से कम्प्लीटली बनना ही चाहिए ना। सही बात है, जो गन्ना का जो लोडिंग होता है, किसान वाले लोग लेके यहाँ से पास करते हैं, तो हमारे गांव के जो यशवंत मुखिया अभी अभी हाँ। तो प्रत्याशी बने हैं फर्स्ट में, तो हाँ। वो भी सारा सब कुछ देखते हैं यहाँ के कि हाँ। जो भी चीज होता है, बेचारा जो एक्सीडेंट भी होता है तो हाँ। उनके आवाज, उनके कान में आवाज जाता है, तो क्या करते हैं कि जो भी आवाज जाता है तुरंत यहाँ पे आते हैं। ओके ओके, पूरा तरह से उनको सेवा करते हैं। ओके, देखिए ये हाल है, कैसे हाल सही होगा अब ये जर्जर स्थिति में से पास करते हैं गाँव के ग्रामीण लोग, और बहुत ही खराब सिचुएशन है। और कोई महिलाएं, देखिए मैंने कहा ना, कोई महिलाएं अगर इस रोड पुल से पार करती हैं तो उतर के जाना होता है, क्योंकि दो आदमी इस पर चढ़ के नहीं जा पाएगा, क्योंकि पुल ख़त्म है, एक तरह से पूरा कम्प्लीटली ख़त्म है। पुल को हर हाल में तेज़ी से जाइए, हर हाल में तेज़ी से बनने की ज़रूरत है, और बनेगा तो ही कुछ हो सकता है, अन्यथा कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वोट नेता मांगते हैं, जब ये कर देंगे वो कर देंगे, जब वोट मिल जाता है तो वो एक तरह से खिसक जाते हैं। तो ये हाल में आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये करताहा सुखलाई पुल के पास से, कि क्या हाल है। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड पब्लिक न्यूज़, मैं मोहम्मद तस्लीम, बिहार के चंपारण मनाटा ब्लॉक के सुखलाई करताहा पुल से।